नेक्स्ट अब एक्स की पावर एन वालों में हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एक्स की पावर एन वाले भी हैं इसमें, ई की पावर एक्स वाला भी है और साइन एक्स वाला भी है, तो हमारा रिवीजन भी होगा पिछली एक्सरसाइज का इसमें। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या? एग्जाम्पल 4, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस 2 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3 डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ई की पावर 2x प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप का है ये। तो हम इसका पहले सी एफ तो उसी के प्रकार से निकालेंगे जैसे हम निकालते चले आ रहे हैं सी एफ। अब सी एफ के लिए, सी एफ हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, सी एफ के लिए इसको हम पहले कैपिटल डी में चेंज कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी की पावर 4 प्लस 2DQ माइनस 3 डी स्क्वायर हो जाएगा ये, और क्या वाई बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3 ई की पावर 2x प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, सी एफ के लिए हम डी बराबर एम रखने पर, डी बराबर क्या रख रहे हैं, एम रखने पर, डी बराबर एम रखने पर क्या हो जाएगा, एम की पावर 4 प्लस 2 एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा हमको क्या, एम की पावर 4 2 एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर बराबर 0। कहाँ से मिलता है ये, इससे डी की जगह एम लिख दिया, इस डी की जगह एम लिख दिया है, इस डी की जगह भी क्या लिख दिया है एम। अब एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 बराबर 0, एम स्क्वायर रह जाएगा ये। ठीक है, अब तीन के ऐसे खंड की दो आ जाए तो ये एम स्क्वायर तो फिलहाल जैसे एक तैसे, इसके गुणनखंड करेंगे एम स्क्वायर प्लस कितना 3m माइनस कितना एम माइनस 3 बराबर 0। 2m को हमने क्या लिख लिया, 3m माइनस एम। ठीक है, और सब जैसे एक तैसे अपनी जगह पर, तो एम स्क्वायर इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा m प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा m प्लस 3 बराबर 0। ये गुणनखंड में आने चाहिए, तो क्या रह जाएगा ये एम स्क्वायर एम प्लस 3 दोनों में से कॉमन, और क्या रह जाएगा एम माइनस 1 बराबर 0। तो एम स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर 0 कॉमा एम प्लस 3 बराबर 0 कॉमा एम माइनस 1 बराबर 0। ये हमें अलग अलग बराबर 0 के कर लिया एम के मान निकालने के लिए, तो यहाँ से एम बराबर 2 बार 0 मिलेगा स्क्वायर की वजह से, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 3, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 1, तो m के मान हमारे क्या हो गए 0 0 माइनस 3 और 1। अब इसमें ये दो मान समान हैं तो समान मानों के लिए सी एफ कैसे लिखते हैं। अब सी एफ बराबर, दो मान समान हैं तो C1 प्लस C2x, तीन मान समान होते तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² इस टाइप से बढ़ता चला जाता है ये, और ई की पावर ये दो जो समान है वो वही आ जाएगा, जो है 0 है तो 0 आ जाएगा, 2 होता तो 2 आ जाता, 1 होता तो 1 आ जाता। प्लस अब इसके लिए लिखेंगे C3 ई की पावर माइनस 3x, माइनस 3 है माइनस 3x हो जाएगा, प्लस C4 ई की पावर क्या 1x, ई की पावर क्या है 1x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सी एफ। अब हम PI की बात करते हैं। अब PI के लिए क्या करेंगे, अब
पी आई बराबर क्या होगा हमारा, वन अपॉन एफ डी डी का फलन, और यहाँ पर कौन सा एक्स का फलन। ठीक है, तो ये बराबर डी का फलन लिख लेते हैं, वन अपॉन डी का फलन है हमारा डी की पावर 4 प्लस 2DQ माइनस 3D² एफ एक्स, एक्स का फलन है एक्स स्क्वायर 3e की पावर 2x प्लस 4 sin x। ठीक है, ये है, देखते हैं इसको ये कहाँ पर है। ये रहे डी का फलन, ये रहा हमारा डी की पावर 4 2D³ माइनस 3D² एक्स का फलन ये रहा, तो ये हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, ये रहे, तो नेक्स्ट अब इसको कैसे सरल किया जाएगा देखते हैं, अगली लाइन में कैसे सरल होगा ये। तो इसमें से D² कॉमन आ रहा है पहले, तो बराबर क्या वन अपॉन D² कॉमन क्या रह जाएगा, D² प्लस 2D माइनस 3 और क्या X² प्लस 3e की पावर 2x प्लस 4 sin x। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। अब ये चीज़ एक बार इस X² में जाएगी, ये पूरा एक बार इसके साथ में जाएगा, ये एक बार 4 sin x के साथ में, इसको हम X² के साथ में भेजेंगे, इसके साथ में और इसके साथ में, तो बराबर क्या होगा अगली लाइन में, ये हो जाएगा वन अपॉन D² और D² प्लस 2D माइनस 3 X² के लिए, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, वन अपॉन D² D² प्लस 2D माइनस 3 किसके लिए, e की पावर 2x के लिए। ठीक है, और किसके लिए, 4 sin x, इसमें ये 4 कांस्टेंट है, आगे लिख लेते हैं उसको, वन अपॉन में क्या D² 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 प्लस 2D और माइनस 3 और sin x। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे, ये X² वाला है तो हम इसमें से 1 बनाएंगे, तो इसमें माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, वन अपॉन D² माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं है, तो ये तो हो जाएगा हमारा D² प्लस 2D/-3 और ये हो जाएगा क्या +1 और X², क्योंकि हम यहाँ फॉर्म x n के लिए हम कैसी फॉर्म बनाते हैं, 1+x या 1-x की, तो उसके लिए अचर पद हम कॉमन लेते हैं, तो -3 कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ लगा लिया है वो, तो -3 इनमें से तो कॉमन नहीं दोनों में से, तो इन दोनों के नीचे आ जाएगा +3। इसमें हम क्या करेंगे, डी की जगह ए लिखते हैं, डी की जगह क्या लिखते हैं, ए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, D = 2, इसमें क्या लिखेंगे, D = 2, ए का काम 2 कर रहा है, तो 2 यहाँ रखेंगे नीचे, तो 1 अपॉन क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 और -3 प्लस 4 × 1 अपॉन, इसमें क्या करेंगे, sin ax वाला बन गया ये, इसमें हम D² का मान लिखते हैं, D² का मान लिखना पड़ेगा -1, एक्स का गुणांक, माइनस चिन्ह तो आता ही है, एक्स का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो D² की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, -1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1, ये रह जाएगा -1, D² की जगह -1 लिख दिया, यहाँ भी -1 लिख देते हैं, +2D और -3 और साइन क्या है, एक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम पूरे को ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के 1/3D². ठीक है, इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा, 1 को पहले लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह D² प्लस 2D/3, ये जो 3 का माइनस है वो हमने यहाँ लिख लिया है, और जब ये ऊपर जाएगा वहाँ X² के पास में जाएगा, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1 और X² प्लस ये क्या रह जाएगा, और इसमें e की पावर 2x और रह गया है,
तीन तो है ही ऊपर, और e की पावर 2x है ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 3, तो इतना प्राप्त हो गया। यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 वन अपॉन, ये वन का कोई महत्व नहीं है, वन से भाग देने पर माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया है, ये क्या रह जाएगा, 2d और माइनस के 4, 2d ये लिख लिए, माइनस वन और माइनस थ्री माइनस के 4 हो गए, और क्या है, साइन एक्स, ठीक है, इतना प्राप्त हो गया ये हमको। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये रह जाएगा कितना, माइनस के क्या बचेगा, माइनस के 1/3d², इसका प्रसार कर लेते हैं, तो इसका प्रसार हमें 2 घात तक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 घात तक इसका हम प्रसार करेंगे, तो क्या आएगा, 1, फिर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d/3, फिर क्या आएगा, फिर प्लस का ही आएगा, क्या आएगा, 1 - x^-1 का प्रसार है ये, तो याद हो तो लिख देंगे, हमें सूत्र लिख देते हैं इसका, यहाँ पर 1 - x^-1 क्या होता है, ये बराबर होता है 1 + x + x² + x³ ... ठीक है, तो ऐसा ही हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 प्लस, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है, 1 - x^-1, 1 - x^-1, तो ये यहाँ 1 + x + x² आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, नीचे वाले 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर क्या होगा, d^4 + 4d², ये a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, a² + b² + 2ab, 2ab करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2ab करेंगे, तो ये आ जाएगा 4d³, ठीक है, और भी आएंगे बहुत सारे, और x², यहाँ पर क्या बचेगा, +3e^2x, बटे नीचे क्या आएगा, 4 और 4 8 हो गए, में से 3 घटा दें, 5 बचेंगे, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20, -4, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, d - 2, और sin x, इसमें से 2 कॉमन आ गया, d - 2 बच गया, 2 से भी ये कट जाएगा 4, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, बराबर -1/3d², ये 1 रह गया, +d² + 2d/3, अब हमारी जो x^2 है, तो इसमें जो 2 घात से ज़्यादा वाले पद हैं वो बेकार हैं, तो d^4 वाला बेकार है, और d^3 वाला बेकार है, 2 से घात जो ज़्यादा है उससे जो ज़्यादा घात d की है वो बेकार है पद, क्योंकि वो 0 कर देते हैं, अवकलन क्या कर देंगे वो, 0, x² का हम 3 बार अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, x² का 4 बार अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम इन पदों को छोड़ रहे हैं, हम केवल कौन सा ले रहे हैं, d² तक ले रहे हैं इसको, तो क्या आएगा, ये आएगा 4d² / 9, और x² हमारे जो काम के पद है हमने वही लिख लिए, ये हमारा काम का नहीं है, 0 देता है ये, इसको छोड़ दिया, प्लस कितना, 3e^2x/20, माइनस 2 से कट गया ये 2 बार, और क्या रह गया, 1/d - 2, इसमें हमने स्क्वायर बनाने के लिए, डी स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का संबंध डी स्क्वायर से होता है, ये रहा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हमने -1 रखा, तो हम नीचे डी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, डी स्क्वायर बनाने के लिए हम संयुग्मी का गुणा कर देंगे, इसमें किसका संयुग्मी, d - 2 का संयुग्मी d+2 और d+2 ऊपर और नीचे, और हमारा साइन एक्स जैसे के तैसे, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, इसमें इसमें सब जगह पर एक्स स्क्वायर को भेजेंगे, तो नई लाइन क्या होगी, एक्स स्क्वायर को 1 में भेजेंगे तो 1 आएगा,
एक्स स्क्वायर को यहाँ डी स्क्वायर में भेजेंगे तो दो बार अवकलन, एक्स स्क्वायर का कितनी बार अवकलन, डी स्क्वायर है ये, डी स्क्वायर का मतलब दो बार अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का दो बार अवकलन दो होता है, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ एक बार करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये d है 2d, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे दो बार अवकलन करेगा तो वो 2 हो जाएगा, तो भेजते हैं इसको, तो क्या आएगा नई लाइन में, तो ये रह जाएगा कितना बराबर माइनस के 1/3d² जैसे तैसे। एक्स स्क्वायर को हम 1 में भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 4x/3 आएगा, और प्लस 4 × 2/9 आ जाएगा, और प्लस 3e² 2x/20 जैसे कि तैसे रहेगा, माइनस 2d+2 और साइन एक्स जैसे कि तैसे, नीचे हो जाएगा ये d² - 4। तो देखते हैं ये कैसे आएगा, पीछे लौटते हैं, इसको देखें, ये रहा हमारा माइनस का 1/3d² 1, एक्स स्क्वायर का गुणा करवा दिया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा हमारा 1/3d² एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर को हमने कहाँ भेज दिया, एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो 2x आएगा, 2x × 2 4x हो जाएगा अपॉन 3, तो ये हमने यहाँ लिख रखा है 2 + 4x/3। फिर नेक्स्ट इस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दिया एक्स स्क्वायर को तो 2 आएगा, तो 4 × 2/9, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4 × 2/9, ये वाला जैसे तैसे वहीं से आ गया माइनस 2, और हमारे पास में क्या था यहाँ पर d+2 sin x, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d² - 4, तो ये रहा हमारा -2d+2 sin x और d² - 4, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो गया उनसे, तो दिस इक्वल टू क्या रह जाएगा माइनस के 1/3d² और क्या x² + 2/3 + 4x/3 + 8/9, ठीक है, और प्लस 3e² 2x/20 माइनस 2d+2 और sin x/d² की जगह हम क्या लिख रहे हैं -1 4 d² की जगह -1 पता है यहाँ से चलता है साइन से चलता है, d² की जगह हम क्या रखेंगे -1, ठीक है। d² की जगह क्या रखा जाएगा, d² = क्या रखा जाएगा -1, वो हमने यहाँ रख दिया d² -1, और सब जैसे कि तैसे। अभी अब क्या करेंगे, माइनस के 1/3 1/d, 1d को अंदर भेज रहे हैं, 1d को अंदर भेजेंगे तो उसका मतलब क्या है, 1/d का मतलब क्या होता है, समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे तो 1d हमारा बाहर रह जाएगा, एक बार समाकलन करेंगे तो इसका क्या होगा x³/3 + इसका क्या होगा 2x/3 + इसका क्या होगा 4x² / 2 और 3 जैसे तैसे, और प्लस इसका क्या होगा 8x/9, ठीक है। और ये हमारा 3e² 2x/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, साइन एक्स को अंदर भेज देते हैं d sin x + 2 sin x, ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब 1/d को और भेजते हैं अंदर, इस 1/d को, d है ये, तो ये क्या करेगा, फिर समाकलन करेगा इसका, तो क्या रह जाएगा बाहर -1/3, इसका समाकलन कर रहे हैं तो x³/4/3 × 4, x³ का क्या हो जाएगा 3, तो जैसे एक तैसे अपनी जगह पर 3, तो जैसे एक तैसे इसका समाकलन करेंगे तो एक 4 और आ जाएगा, प्लस 2 x² / 2 और
तीन जैसे एक तैसे, 2/3 जैसे एक तैसे, एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 4 और 3 और 2 जैसे एक तैसे, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3 और प्लस इसका समाकलन क्या होगा, 8x² बटे 9 × 2 गुणा है ये, ठीक है, 8/9 एक्स का समाकलन हो गया x² बटे 2 प्लस क्या है, 3e² 2x/20 प्लस कितना है, 2/5 डी साइन एक्स। डी साइन एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का अवकलन। डी क्या शो कर रहा है, अवकलन। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस 2 sin x जैसे कि तैसे रहेगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो दिस इक्वल टू माइनस का 1/3 तो है ही, ये कितना रह जाएगा, x^4/12, ये यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x²/3 यहाँ पर 2 से 2 बार कट जाएगा, 2x³/9 रह जाएगा, यहाँ 2 से 4 बार कट जाएगा, 4x²/9 रह जाएगा, ठीक है। और ये अपने स्थान पर जैसे जैसे 3e² 2x/20 प्लस 2/5 और कॉस एक्स प्लस 2 sin x, तो -1/3 इसमें से x^4/12 तो जैसे एक तैसे रहेगा, x^ क्या है, 4/12 जैसे एक तैसे, एक्स स्क्वायर वाले 2 जगह पर हैं, x²/3 और 4x²/9, तो इन दोनों का एलसीएम पहले इसको लिख लेते हैं, 2x³/9 इन दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3x² + 4x² आएगा और ये जैसे के तैसे, प्लस 2/5 और कॉस एक्स प्लस 2 sin x, ठीक है। ये रह गया, इसको थोड़ा और सरल करते हैं, -1/3 क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा x^4/12 प्लस 2x³/9 प्लस ये कितना रह जाएगा, 7x²/9 और ये जैसे के तैसे, 2/5 कॉस एक्स प्लस 2 sin x, ठीक है। अब ये हमारा पीआई प्राप्त हो गया है, ये हमारा क्या चल रहा था, पीआई चल रहा था इधर। अब हम इसका हल लिखते हैं, हल हल क्या होता है, y = CF + PI, तो y = CF हम निकाल चुके हैं पहले। CF क्या निकला था हमारा, c1 + c2x e की पावर 0x, c3 e की पावर -3x और c4 e की पावर x। तो यहाँ रख देते हैं, c1 + c2x e की पावर 0x प्लस c3 और क्या आएगा, e की पावर -3x + c4 e की पावर x + PI। PI हमारा ये रहा, तो ये माइनस का है, पहले माइनस का लिख लेते हैं, -1/3 x^4/12 + 2x³/9 + 7x²/9 और प्लस कितना है, 3e² 2x/20 + 2/5 और क्या, cos x + 2 sin x, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो गया अभीष्ट आंसर। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है, हमें CF की कंडीशन याद रखनी है, PI की कंडीशन याद रखनी है, उनको हम और लिख देते हैं PI की कंडीशंस को, जिससे कि उसका रिवीजन भी होता रहे। यहाँ लिख देते हैं, जब FX क्या हो, e^x जैसा हो, तो FD में D बराबर क्या रखते हैं, A रखते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, D बराबर A रखते हैं, बशर्ते FD हमारा 0 नहीं हो रहा हो, यानी कि A रखने पर, A लिख देते हैं यहाँ पर,
एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यदि ऐसा हो वन अपॉन डी माइनस ए की पावर आर ई की पावर एक्स हो, हम यहाँ डी की जगह ए लिखेंगे तो जीरो हो रहा है, ये तो जीरो हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल और ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और क्या है, एफ एक्स क्या हो हमारा, ये तो ई की पावर एक्स वाला हो गया, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो तो डी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, माइनस का ए स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाता है, माइनस के ए स्क्वायर। यदि ये जीरो दे रहा है पीआई के लिए, तो पीआई के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा है, यहाँ पर क्या है साइन ए एक्स, तो ये होता है माइनस के एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स। वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कॉस ए एक्स हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन टू ए और साइन ए एक्स, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है साइन ए एक्स की और कॉस ए एक्स की। और एक्स की पावर एन की हम इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्स की पावर एन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे हम लिखवा चुके हैं पहले ही, ठीक है।